हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 22वां पार्ट है और चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार या कुणाल? मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है इसमें, बिंदुसार या अजात शत्रु? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, काकनी या पन? ये सब आए हुए प्रश्न है आईएसपीसीएस में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी प्रयुक्त भाषा है, पाली या प्राकृत? पीसीएस का प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण आईएएस पीसीएस नेट ग्रुप सी और एसएससी, इवन आर्मी पुलिस में भी आते हैं ये सब। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो कौन है, अर्थशास्त्र या इंडिका? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है, अश्वघोष या विशाखा दत्त? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र या इंडिका? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, नालंदा या तक्षशिला? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, शुंग वंश ने या मौर्य वंश ने? अर्थशासक अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था, अशोक का या चंद्रगुप्त का? अशोक के शिलालेख इन दोनों में से किसमें नहीं है, कंधार या पाटलिपुत्रा? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की, अकबर या अशोक? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, अश्वघोष या विशाखा दत्त? मौर्य राजा ने वो कौन से मौर्य राजा हैं जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन में, अशोक या चंद्रगुप्त? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, 6 या 7? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, सामाजिक जीवन या राजनीतिक नीतियां? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कलिंग या श्रीलंका? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख? बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के गृह के रूप में किया, आश्रय गृह के रूप में किसने किया बराबर को, बराबर की गुफाओं को, जैनों ने या आजीविकों ने? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था, मिट्टी का या लकड़ी का?
तो ये रहा कुल मिलाकर के, और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।